एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। वेलकम टू माय चैनल मर्सा एकेडमी, दिस इज हिमांशु, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये टॉपिक आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री या फार्मेसी स्टूडेंट और एमएससी स्टूडेंट जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और बीएससी स्टूडेंट, उनके टॉपिक जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वहां आपको ये टॉपिक जरूर सुनने को मिलता होगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, आपके जो लेटेस्ट अभी वैकेंसी आई है असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट और लैब असिस्टेंट की, जिसमें भी आप सिलेबस वाइज देखेंगे तो आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो भी मिल जाएगा। तो वही स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप डिस्कस करें। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ज्यादा वीडियो देखने के लिए उसके रिलेटेड मैंने आपके एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो डाल दिए हैं। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट और लैब असिस्टेंट के नाम से रखा है। ओके, तो आज का टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए नाम से ही पता चल रहा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इट मींस व्हाट, अगर किसी मॉलिक्यूल है जो मेरे पास अननोन है, उसका मास जो है मेरे पास अननोन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री मैं उसका मॉलिक्यूल वेट जो है डिटरमिनेशन कर सकता हूँ। इट मींस व्हाट, कोई भी मॉलिक्यूल का मास कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मास कितना है, वो मास कैलकुलेट करने के लिए मैं जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करूंगा उसको मैं बोलूंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, अब एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना चाहिए कि सर यहाँ पे स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों है। हर समय जब हम पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे मेट्री क्यों है सर? देखिए इसका मतलब नथिंग बट दैट कि इसमें, इस स्पेक्ट्रोमेट्री में हम ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या बोलते हैं, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं होता। और ऐसा मैंने बता रखा है आपको कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का लाइट्स के साथ डील करते हैं वहां शब्द आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो बाकी सब रिमेनिंग जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उन सब में क्या करते हैं हम, उन सब में सर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं, जहां पे सब जो है हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई दे कॉल मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यूजुअली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, बट परफेक्ट वर्ड जो है इसके लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री। व्हाई मेट्री, दैट्स रीजन बिकॉज इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री देयर इज नो यूज ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके प्रिंसिपल के बारे में, सॉरी इंट्रोडक्शन के बारे में, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, पीक एंड एप्लीकेशन। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डायग्राम से समझाना चाहूंगा सबसे पहले कि व्हाट इज द हैपनिंग इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए सबसे पहले हमारा जो एम है वो क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो हमारे पास अननोन है उसका मेरे को मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिटरमिनेशन करना है, या फिर उसका मास डिटरमिनेशन करना है। तो यहां पे जैसे आपने सर बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का मास डिटरमिनेशन कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर समझने के लिए आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें। देखिए इस डायग्राम में क्या बता रखा है, ये है सैंपल एंटर हेड। ओके, नेक्स्ट है हीटर एंड वेपराइज ऑफ सैंपल। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको क्या यूज है किसी का, और अभी खाली हम जो है मैं आपको इंडिकेशन कर रहा हूँ कौन कौन सी क्या चीज़ है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, ये क्या आयन एक्सेलरेटर, दिस इज मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, डिफेक्टेड लाइटेस्ट। ओके, और ये ग्राफ है, ग्राफ को हम बाद में यूज करेंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां तक हमको समझ में आ गया सर ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। यहाँ पे सैंपल को हम एंटर करते हैं, यहाँ पे सैंपल हीट वेपराइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम है, आयन एक्सेलरेटर है, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेट लगी हुई। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे जिसका कि मुझे मॉलिक्यूलर वेट जो है डिटरमिनेशन करना है, उस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन बीम की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं। क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन बीम की बॉम्बार्डिंग करवाते हैं।
उससे क्या होता है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में, वापस से मैं बना देता हूं, देखिए यहां पे ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इंटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है, जिसका इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में राउंड सर्कल लगा रहा है, इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बाहर से इलेक्ट्रॉन बीम की बोम्बार्डिंग करवा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बीम की बोम्बार्डिंग मतलब जहां से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फायर हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फायर हो रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये स्ट्रक्चर आपको यहां समझना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स है सर, जहां से इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डिंग हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, बोम्बार्डिंग हो रही है मतलब कंटिन्यूस फायर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे फायरिंग हो रही है, बोम्बार्डिंग हो रही है, ओके। यहां पे मेरा सैंपल है, ओके। अब क्या हो रहा है, हीट वेपराइज सैंपल, ये सैंपल जो है सर वो लिक्विड से वेपराइज कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही वो वेपराइज कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, उस समय उस पर इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डिंग हो रही है, और उस बोम्बार्डिंग के कारण उसकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा सर, बाहर आ जाएगा, वो नॉकआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉकआउट होगा। नॉकआउट होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा सर, इस इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके कारण इस मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब किसी मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल को मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा उस पर, तो उसकी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। अब वो क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा, ओके। जैसे ही मैंने उसकी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब वो स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, वो फ्रेगमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा। और वो फ्रेगमेंटेशन किस में होगा उसका, कि सर फ्रेगमेंटेशन जो है उसका स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल में हो जाएगा। जैसे कि ये जो है मदर मॉलिक्यूल है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में उसका क्या हो जाएगा, फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल M था, जिसके कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। अब ये अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल से स्टेबल, कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है उसको स्टेबल फॉर्म में आना चाहती है। तो स्टेबल फॉर्म में आने के लिए क्या करेंगे, ये अपने 1, 2, 3 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो गया, ओके। अब डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आयन एसिलेट लगा हुआ होता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है। तो अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको जिसका, वो अलग अलग मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से यहाँ पे सेपरेशन होगा, बट यहाँ पे ये लाइन याद रखिए, अकॉर्डिंग टू देयर मास चार्ज टू रेशियो दे मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड एंड डिटेक्ट बाय डिटेक्टर। यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे सर, डिटेक्टर लगा हुआ है, और जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, ओके। और ये मैग्नेट का रोल क्या है सर, मैग्नेट का रोल है कि एक यूनिफॉर्म फॉर्म में जो फ्रेगमेंटेशन आयन हुए हैं उनको यूनिफॉर्मली डिटेक्टर तक पहुंचाया जाए, एक वे में, एक सीक्वेंस में, ओके। अब ये चीज समझने लायक है सर, मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम लगी हुई है, सैंपल है, सैंपल हीट होता है, हीट होने के बाद सैंपल जो है क्या होगा सर, वो जो मॉलिक्यूल है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव होगा उसके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आना चाहेगा, तो मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट होगा। फ्रेगमेंट बोले तो डिवाइड हो जाएगा 1, 2, 3, या 1, 2, 3 जरूर नहीं, 4, 5, कितने भी मॉलिक्यूल में डिवाइड हो सकता है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल मैग्नेट लगी हुई जबकि सिक्वेंस वे में वो डिटेक्टर तक पहुंचे, ठीक है। तो यही इसका प्रिंसिपल है कि सर मॉलिक्यूल दे आर डिटेक्टेड एंड एनालाइज बाय देयर मास चार्ज टू रेशियो, मास चार्ज रेशियो, ओके। अकॉर्डिंग टू देयर मास उस पर जो चार्ज है उसके हिसाब से उसका डिटेक्शन होगा, ओके, गॉट इट। यहां तक आपको शायद ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम समझते हैं बुक की लैंग्वेज के हिसाब से इस पूरे टॉपिक को। चलिए इंट्रोडक्शन देखिए, मास और मॉलिक्यूल वेट ऑफ कंपाउंड कैन बी फाउंड सेवरल वे। वन सर्च टेक्निक यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री,
not only for elucidation, quantitative analysis and even advanced study of. देखिए कुछ स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज रहता है कि सर हिंदी में नोट्स हो तो अवेलेबल करवाएं. देखिए हिंदी में नोट्स नहीं है मेरे पास इस वैकेंसी रिलेटेड कोई भी नोट्स नहीं है. ये मेरा छोटा सा एफर्ट्स है उन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे जो चाहते थे कि सर यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है तो बहुत ही अच्छे से मैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री समझा रहा हूँ जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है जो कि मैं फार्मेसी में एनालिटिकल केमिस्ट्री इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है मेरा. उसी सब्जेक्ट को लेकर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपके टॉपिक वाइज. और कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है सर बायोकेमिस्ट्री वाला भी पोर्शन ले लेंगे तो वो भी पोर्शन ले लेंगे आने वाले टाइम में. पहले मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरी करवा रहा हूँ. ओके अब रही बात हिंदी नोट्स नहीं है मेरे पास. मैं अलग अलग बुक से आपको कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ और आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ओके सो इस हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं. और मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट को देखिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है बट आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. अगर शेयर करेंगे ज़्यादा अगर ऑडियंस जुड़ेगी ज़्यादा अगर स्टूडेंट जुड़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका सिलेबस जो जिस अच्छे से मैं बहुत ही अच्छे से करवाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं. तो आप खाली अपने तक मत रखिए मेरा वीडियो किसी और को शेयर कीजिए किसी स्टूडेंट को शेयर कीजिए जो प्रिपरेशन करने वाला है या कर रहा है या इस टाइप का सब्जेक्ट उनके रिलेटेड है ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा. बिल्कुल बढ़ेगा. आपका एक कमेंट जो है अगर आप डाउट पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है आपको मैं एक्सप्लेन करूं अच्छे से और आप मेरी जो डिलीवर की भी बात है वो आप तक पहुंच रही है. ओके सो नेक्स्ट मैं बता रहा हूं आपको. देखिए यहां पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास या मॉलिक्यूलर वेट हमको डिटरमिनेशन करना है तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है. ओके हाँ एक बात रह गई मैं बता रहा था हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी में अवेलेबल नहीं है मेरे पास नोट्स इंग्लिश में ही है बट एक्सप्लेनेशन मैं फुल ऑन हिंदी में करूंगा. होप सो आपको टॉपिक पूरा समझ में आएगा. आप तो टॉपिक पे ध्यान दीजिए आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हिंदी इंग्लिश जो है मायने नहीं रखें. ओके नेक्स्ट तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है मास ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ ए कंपाउंड कैन बी फाउंड. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का मास और किसी भी टेक्निक से हम डिटरमिनेशन कर सकते हैं. उसके लिए एक और टेक्निक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से किसी भी मॉलिक्यूल का नॉट ओनली फॉर मास मॉलिक्यूलर वेट ही हम डिटरमिनेशन कर सकते हैं इवन ऑल्सो इसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन. स्ट्रक्चर एलुसिडेशन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास जो है मीथेन है CH4 है तो उसका स्ट्रक्चर मतलब कहाँ H+ आयन जुड़ा हुआ है कहाँ कितने H+ आयन है किसी मॉलिक्यूल में कितना फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है पूरा स्ट्रक्चर का एलुसिडेशन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री और किसी भी चीज का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल की मैं बात करूं देखिए मास स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव आयन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा. तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मास स्पेक्ट्रा को और हम किस नाम से जानते हैं पॉजिटिव आयन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा. अनलाइक द काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी we do not use electromagnetic radiation for excitations. We use electron bombarding to convert a neutral molecule to positive charge. And there is no ground state and like to type of spectroscopy. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम electromagnetic radiation का use नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम usually spectroscopy में करते थे. Spectroscopy में हम electromagnetic radiation का use करते थे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट से लेके जाते थे कुछ एब्जॉर्प्शन लाइट करके. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. देयर इज नो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली फॉर किसी भी मॉलिक्यूल में से हमको इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग करके उसी उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करना है ताकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आए और उसी चार्ज के कारण हम उसको उसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन कर सकें. ओके सो नेक्स्ट ऑब्टेनिंग मास स्पेक्ट्रा consist of two step. Which one? Conversion of neutral molecule into a charged molecule, preferably of a positive charge. जैसे कि मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं by electron bombarding. Separation of positive charge filament from the base of mass by using electromagnetic field. उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं
मैग्नेट लगा के उसका सेपरेशन जो है बेस ऑन मार्स चार्ज टू रेशियो के अकॉर्डिंग हम उसका डिटरमिनेशन कर रहे हैं। ओके तो बोमबार्डिंग, इलेक्ट्रॉन बोमबार्डिंग से क्या हो रहा है, द सैंपल इज बोमबार्डिंग विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लाइक 70 ev, वेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, हेंस द मॉलिक्यूल बिकम ए पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियली एक्सेलरेट द इज अप्लाइड अ मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज रिप्लाई ग्रेट स्पीड एंड स्पार्क। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बोमबार्डिंग करवा रहे हैं तो बाहरी क्लास में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उस वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, नॉकआउट होने से उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने से वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने से वो फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट होने के बाद हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अप्लाई करेंगे तो वो एक सिक्वेंस में डिटेक्ट हो जाएगा। ओके बाकी यहाँ पे जो है ये इसका बेसिकली प्रिंसिपल रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताया, एक बार मैं फिर से लेके चलता हूँ, ये बुक में जो डायग्राम है वो इतना एक्सप्लेन और अच्छा नहीं है, इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इसी डायग्राम से हम समझेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सर यस यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन बोमबार्डिंग जो बीम लगी हुई होती है, यहाँ पे हमारा सैंपल होता है, सैंपल वेपराइज होता है, हीट वेपर कंडीशन में बदलता है, वेपर कंडीशन में बदलते समय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो बोमबार्डिंग होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नॉकआउट हो जाता है, नॉकआउट होने के बाद उसके पर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे वो फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंट होने के बाद जो आयन्स हैं छोटे छोटे आयन्स हैं फ्रेगमेंट होने के बाद उनको एसोलेट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे प्लेट रखी हुई है ताकि वो एसोलेट हो आगे बढ़ सके और फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जो सीक्वेंस है उसका मॉलिक्यूल का डिटेक्ट होने का वो एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस वाइज वो डिटेक्ट हो पाए। यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो इस हिसाब से रहेगा, वो उस डायग्राम में ज्यादा बेटर है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे मास स्पेक्ट्रा की। मास स्पेक्ट्रा बोले तो जो ग्राफ हमको मिलता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में उसको हम मास स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उसके क्या पैरामीटर है, तो परसेंटेज इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एम अपॉन ई। ओके तो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एम अपॉन ई, इसी की हेल्प से हम मास स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनाते हैं। और यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसको हम बोलते हैं बेस पीक। क्या बोलते हैं, बेस पीक। देख लेना आप, पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है। हाईएस्ट पीक जो आएगी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो उसका हम क्या बोलते हैं, बेस पीक। क्या बोलते हैं, बेस पीक बोलेंगे। ओके अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटरी, कितने कितने टाइप के होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर, सिंगल फोकस टाइप एंड डबल फोकस टाइप, दूसरा है केमिकल आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटरी जिसको कि हम CIMS के नाम से जानते हैं, इन विच द रिएक्टेंट गैस यूज इन ऑप्टेन पॉजिटिव चार्ज एंड इन विच वेयर द मैग्नेटिक फील्ड यूज द सेपरेशन ऑफ फिलामेंट डिफरेंट मासेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ 300, एंड डबल फोकस में वेयर द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड अनयूज एंड सक्सेसफुली सेपरेटेड। तीसरा टाइप है इसका फील्ड आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फील्ड डिसॉर्प्शन मास टेक्निक, प्लाज्मा डिसॉर्प्शन एंड लेजर डिसॉर्प्शन। अब यहाँ पे आपके आता है टाइप्स ऑफ पीक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया बेस पीक जो है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। द मोस्ट इंटेंस पीक इज कॉल्ड बेस पीक, मतलब जो सबसे बड़ी पीक आ रही है उसको हम बोलेंगे बेस पीक। क्या बोलेंगे, बेस पीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ मोस्ट इंटेंस पीक इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो आपको आंसर देना है बेस पीक। कौन सी पीक है, बेस पीक। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पे जैसे ही फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल जो है जो मदर मॉलिक्यूल है उसके M1 M2 और M3 करके मॉलिक्यूल जो फ्रेगमेंट हो रहे हैं, ये फ्रेगमेंट होते समय यहां पे एक एनालाइजर रहता है, यस इस चीज को हम इससे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है
जिसको हम RH लिख रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया, नॉकआउट हो गया। नॉकआउट होने के बाद यहाँ पे जो आयन है वो कैटायन रेडिकल बन गया, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। अब बात आती है मास स्पेक्ट्रा की। मास स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जो बीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो मास स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल वेट निकाल रहे हैं वो H2O का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? H2O का एग्जाम्पल है, जिसमें कि देखिए सबसे हाईएस्ट पीक जो है 18 पे, इसी को हम बोलेंगे बेस पीक। H2O में देखिए H2O की पीक है जो 18 पे है, फिर OH की 17 पे और O की 16 पे, जैसा कि आप पीक यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। तो मास स्पेक्ट्रम जो है वो यहाँ पे देखिए मास स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर रिलेटिव अबेंडेंस डिवाइडेड बाय मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग ये चलता है। ओके तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड बेस पीक, हाईएस्ट पीक इज कॉल्ड बेस पीक एंड पीक ऑफ 16 एंड 17 इज कॉल्ड डॉटर आयन। क्या करते हैं उसको? डॉटर आयन, मतलब बेस पीक के डिवाइडेड बाय ये क्या है सब? डॉटर आयन। अब मैं बात करूंगा आपके थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। देखिए उस बुक में इंस्ट्रूमेंटेशन सही नहीं है, इससे यहां से समझेंगे। जैसे कि हमने इंस्ट्रूमेंटेशन समझा, यहाँ पे सर सैंपल है, इंट्रोडक्शन है गैस, यहाँ पे देखिए एनालाइजर आप स्क्रीन समझेंगे। एनालाइजर का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका मॉलिक्यूल जो है वो एनालाइज हो रहा है, मतलब उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो फ्रेगमेंटेशन कितने वे से हो सकता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। यस, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने समझा कि सोर्स, उसके बाद एनालाइजर, आयन डिटेक्टर एंड डेटा सिस्टम, जिसमें कि आयनाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो फर्दर अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम नॉकआउट कर देते हैं तो वो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर वो फ्रेगमेंट होता है, आयनाइज होता है। तो वो आयनाइजेशन कौन से प्रोसेस से वो आयनाइजेशन पॉसिबल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए आयन सोर्स आयनाइजेशन रीजन वेयर गैस फेज आयन आर जनरेटेड एंड रिएक्शन दिस आयन अकर। टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन में गैस फेज डिजॉर्प्शन दो टाइप के रहते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक कौन कौन सी है? गैस आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन एंड फील्ड आयनाइजेशन। दूसरा डिजॉर्प्शन टेक्निक कौन कौन सी है? फील्ड डिजॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन स्प्रे, मैट्रिक असेसमेंट, लेजर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन, प्लाज्मा डिजॉर्प्शन, फर्स्ट एटम बॉम्बार्डिंग, सेकेंडरी आयन मास एंड एडसॉर्प्शन प्रेशर, केमिकल प्रेशर। तो यहां पे जो माल्टी है ये मैट्रिक्स असेसमेंट लेजर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन ये और इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउडेज आयनाइजेशन टेक्निक। ओके तो हम चलते हैं वापस हमारे पीपीटी की ओर, पीपीडीएफ की ओर। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा सर, जो ये आयनाइजेशन प्रोसेस है ये दो टाइप से होता है। कौन कौन से टाइप से? एक तो सर गैस डिजॉर्प्शन है और एक डिजॉर्प्शन आयन के बने, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन परफॉर्म होता है। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि सर जो मदर मॉलिक्यूल है उसका फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है, वो किस हिसाब से रहेगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी टेक्निक है उसमें, जिसमें कि मैट्रिक असेसमेंट डिजॉर्प्शन जो है उसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें कि हम कोई मैट्रिक्स यूज करते हैं, उसमें सैंपल को रखते हैं, उसमें लेजर डिजॉर्प्शन करते हैं, उससे वो आयनाइजेशन होता है, उसको हम बोलते हैं MALDI या मैट्रिक असेसमेंट लेजर डिजॉर्प्शन टेक्निक, जो कि नाउडेज यूज आ रही है। ओके तो यहां तक आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, बट इन जनरल मैंने मेरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। होप आप लोगों को समझ में आई होगी टेक्निक ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो जरूर मुझसे पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका एक्सप्लेनेशन देने की, आपको आंसर देने की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके एंड ऐसे ही मतलब किसी भी और भी कोई स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और मेरा मोटिवेशन बढ़े। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।